नमस्कार, पलपल भारत में आपका स्वागत है। हरियाणा में नूह हिंसा के बाद में सभी जिलों में पुलिस अलर्ट हो चुकी है। सिरसा जिले में भी अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस चारों तरफ गश्त लगा रही है ताकि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके। सिरसा जिले के साथ साथ कई जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। ऐसे में नूह और गुरुग्राम के अलावा हिंसा की आग और ज़्यादा न फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं पुलिस की लगातार टीमें गश्त कर रही हैं। जो जो इलाके संवेदनशील है वहां पर पुलिस ज़्यादा गश्त कर रही है। ऐसे में वहां पर बड़े अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। कई जिलों में सामाजिक संगठन भी नूह हिंसा के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं और धरना तथा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कहीं हिंसा न भड़क जाए, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है। इंस्पेक्टर के साथ साथ पुलिस के बड़े अधिकारी भी देहात में भी राउंड लगा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी सोशल मीडिया सेल की निगरानी रखे हुए है ताकि किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलती है तो उस पर नकेल कसा जा सके। पलपल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। सर, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बाज़ार में काफ़ी भीड़ है, आने जाने वालों को तकलीफ हो, इसलिए हमें व्हीकल को साइड में करवाने के लिए कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहे, किसी आने जाने वाले को परेशानी ना हो, इसलिए हम अपनी गश्त कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। समाज बड़ा सभ्य समाज है, भाईचारा बड़ा अच्छा है, ऐसी हमारे यहाँ कोई बात नहीं है। फिर भी हम कोई शरारती तत्व आएगा तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और लोगों से ये अपील भी है कि आपसी भाईचारा सद्भावनापूर्ण बनाए रखे। और जो बाज़ार में व्हीकल खड़े हैं, बाज़ारों में टेढ़े मेढ़े खड़े करते हैं, इनसे हमारी विशेष तौर से अपील है कि बाज़ार में आने जाने वाले का रास्ता साफ रखें। दुकानदार भाइयों से भी अपील है कि वो अपने व्हीकल को अपनी दुकान के काफ़ी नज़दीक रखें या कहीं साइड में किसी पार्किंग में रखें। अफवाहों से भी दूर रहें सर? हाँ, झूठी अफवाहों से दूर रहें। किसी को कोई डाउट है तो हमारे से संपर्क करें, हमसे कन्फर्म करें या आपसे कन्फर्म करें।